मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, बहुत भारी दिल से, कि इतनी बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान है, और इतने बड़े लोकतंत्र में, इतने विशाल जनसंख्या वाले देश में आज किसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इस देश का सत्यानाश करने का प्रयास हो रहा है। खास तौर पर मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं, जब कभी इस देश में लोकतंत्र खतरे में आया, लोकतंत्र का काम लड़खड़ाया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे न्यायपालिका ने। आज भी मैं हमारे भारत के प्रधान न्यायाधीश जो ललित जी है, सम्मानित ललित जी, उनसे भी, सारे ही सुप्रीम कोर्ट जजेस से भी, और देश में पूरे हाईकोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस है, उन लोगों को विनम्रपूर्वक प्रणाम करते हुए मैं अनुरोध करता हूं, इस देश को बचाइए, इस देश में लोकतंत्र का रक्षा कीजिए, वरना यह देश बड़ा खतरा में चले जाएगा। इतना गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं, और आज तेलंगाना सरकार के जांच करने वाले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, जो पुलिस है, ACBI है, कुछ अन्य एजेंसीज है, जो भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, ये सारे चीज प्रोसिक्यूशन ने आज हाईकोर्ट में दाखिल कर दी। इट हैज बीन सबमिटेड टू द हाईकोर्ट, और जो भी यहां सबमिट किए हैं, वो सारे चीज को मैं सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को भेज रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के हर जज को भेज रहा हूं, और सारे ही जितने भी हमारे देश में हाईकोर्ट है उनको भी मैंने भेज दिया है, चीफ जस्टिसेस को, ऑल चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया ऑफ ऑल हाईकोर्ट्स, अलॉन्ग विद द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑनरेबल जजेस, एंड ऑल्सो टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिसेस ऑफ ऑल द हाईकोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री, CBI, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ऑल प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसीज ऑफ इंडिया लाइक PTI, ANI, कुछ अन्य एजेंसीज जो भी है, और ऑल प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेस, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, मैंने भेज देना शुरू कर दिया है, जा रहा है पूरे देश में, वो किसी भी भाषा का हो, किसी भी राज्य का हो, अलॉन्ग विद द नेशनल डेलीज एंड नेशनल चैनल्स इन ऑल द वर्नाकुलर TV चैनल्स एंड न्यूज पेपर्स, आई हैव सेंट इट एंड आई एम सेंडिंग टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल्सो आई एम सेंडिंग टू ऑल द पार्टी प्रेजिडेंट्स इन दिस कंट्री, ऑल पार्टी प्रेजिडेंट्स, आई हैव सेंट इट, भेज दिया है हमने। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अनुरोध करता हूं, जो कि मैं आपका राजनीतिक सहयोगी हूं, आई एम योर पॉलिटिकल कोलीग, आपने प्रधानमंत्री बना, मैंने उसी साल में मैंने भी चीफ मिनिस्टर बना, 8 साल से मैं आपके साथ मिलकर काम कर रहा हूं इस देश में, आई एम ऑल्सो होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, मैं इससे पहले भी आपको सुझाव दिया था मोदी जी, आज भी देता हूं, ये कांड को रोकिए, इस प्रहार को समाप्त कीजिए, लोकतंत्र का मान्यता को मानिए, ये प्रहार ठीक नहीं है, ये आपको श्रेय नहीं देगा, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका स्थान खराब होगा, बिल्कुल ये सच बात मैं कह रहा हूं। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, चाहते क्या है और क्या चाहते हैं, कुछ अच्छे काम कीजिए, अच्छा नाम कमाइए, इतिहास में अच्छा जगह बनाइए, ये क्या हो रहा है, आप खुद कदम उठाइए, इस कांड में जो भी जिम्मेदार है सारे लोगों को गिरफ्तार करवाइए, जान पड़ताल करवाइए, मैं अनुरोध करता हूं, इस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या करते हुए, राज्यों के सरकारों को गिराते हुए, सब लोगों को एक खौफ में, डर में रखते हुए, क्या क्या कमाना चाह रहे हैं आप, क्या पाना चाह रहे हैं, भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत बड़ा जगह दिया आपको, आप 2-2 बार इस देश के, इतने महान देश के प्रधानमंत्री बने, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, देश के हित में भी, आपके हित में भी, किसी के हित में भी ये ठीक नहीं है, मैं बड़ा दुख से कह रहा हूं यह बात। कोई भी इंसान 1000 साल के लिए जीने के लिए नहीं आता, हम कितने भी शक्तिमान हो 100 साल के आगे नहीं जी सकते, क्यों इतना बुरा काम हमको करना चाहिए, क्या कारण है, इस पर एकदम रोक लगना चाहिए, दिन दहाड़े खुलेआम प्रहार कर रहे हैं आपके नाम लेके, आपके गृह मंत्री का नाम लेके, कहां तक ये सही हो सकता है, इसको लगाम लगाइए, रोकिए इसको, देश के पूरे युवाओं से, देश के छात्रों से, देश के बुद्धिजीवियों से, जो लोकतांत्रिक प्रेमी है, एक बार याद कीजिए उस महान पुरुष को, जयप्रकाश नारायण को, आज फिर समय आया है, आजादी का जंग जब गांधी जी लड़ रहे थे तो वो बैरिटला थे, बहुत धनवान थे, वो भी ऐश कर सकते थे अपनी जिंदगी को, जवाहरलाल नेहरू भी ऐश कर सकते थे, इतने धनवान आदमी थे, भगत सिंह जी शहीद हुए इस देश के आजादी पाने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल
कई कुर्बानियां दी। हमारा देश का परंपरा है, संस्कृति है, इतनी गरिमा है भारत का, पूरी दुनिया भर में, विश्व भर में एक जगह है, एक मान्यता है हमारे देश का। और भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया के मुंह पे आप दब्बा मत लगाइए, प्लीज, फॉर गॉड सेक, आई प्रे विथ फोल्डेड हैंड्स, रोकिए इसको, एक निष्पक्ष काम कीजिए, जो गलत है उनको गलत बोलिए, ये काम नहीं है, ठीक नहीं है। सॉरी, हमारे स्वतंत्र सेनानी, हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या यही चाहा था जब आजादी की जंग लड़ रहे थे, कुर्बानियां देते हुए, सूली पे चढ़ते हुए, जलियांवाला बाग में गोलियां खाते हुए, उनका यही आशा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत के पूरे बुद्धिजीवियों से, पूरे पत्रकारों से, पूरे युवा पीढ़ी से, ये देश आपका है, बचा लीजिए प्लीज। हमारा तो एज हो रहा है, ये आपका देश है, आपका भविष्य का सवाल है। ऐसे कांड को देखते हुए अगर खामोश रह जाए, वो भी पाप होगा, आगे के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हर किसी से, हर बुद्धिजीवी से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज राइज अबव ऑल एंड सेव डेमोक्रेसी, राइज अबव ऑल, सेव डेमोक्रेसी। लोकतंत्र बचे रहे तो आगे हमारा विकास हो सकता है, हमारी स्थिति बदल सकती है, पूरे विश्व के बड़ा आर्थिक शक्तियां उभर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान का, प्रकृति का दिया हुआ, ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। कोई मुख्यमंत्री अपने पद के बचाने के लिए लड़ रहे, कोई एमएलए अपने पद को बचाने के लिए लड़ रहे, ये क्या हो रहा है इस देश में? अगर हम सारे लोग इसमें बिजी हो जाए, इसमें व्यस्त हो जाए, देश का काम कौन करेगा? ये जो कांड हो रहा है, ये विकास को रोक रहा है, राज्यों के सरकारों को जीने नहीं दिया जा रहा है, उनका कॉन्सेंट्रेशन विकास से हटके राजनीति में जा रहा है। आज ही देश बहुत बड़ी मुश्किल में है, रुपया गिर रहा है, इन्फ्लेशन थमने का नाम नहीं ले रहा है, गरीब परेशान है, हर चीज का दाम बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचियां होते हैं उसमें पूरे गिरावट आ रही है, देश का मान्यता कम हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का पूरा रिजर्व गल जा रहा है। उन चीजों पर ध्यान दीजिए ना, कांड को छोड़ के, इस प्रहार को बंद करके ध्यान उस तरफ कीजिए ताकि देश का कोई भलाई हो। मैं सारे हिंदुस्तान के न्यायपालिका से हाथ जोड़ के विनम्रपूर्वक अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि लोकतंत्र इस देश में जब कभी लड़खड़ाया, लोकतंत्र जब भी खतरे में पड़ा, इसको बचाने वाले सबसे अहम भूमिका निभाया था हमारे न्यायपालिका। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं ही था न्यायपालिका के जरिए हिंदुस्तान में सारे राजनीतिक पार्टियों को सिंबल देने का स्थिति पैदा करने वाला मैं ही था, टीआरएस पार्टी ही था। जब इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने सिंबल देने के लिए इनकार किया था, मैंने न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया, वहां से मुझे न्याय मिला। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में जितने पार्टियां हैं उन लोगों को कॉमन सिंबल दिया जा रहा है। ऐसा न्यायपालिका का गरिमा है, देश के भलाई के लिए, देश के जनता के लिए कई अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं न्यायपालिका के जरिए। आज भी मैं पूरा आशा करता हूं इन ताकतों को, लोकतंत्र विरोधी, जनतंत्र विरोधी षड्यंत्र रचने वाले ताकतों पे लगाम लगाया जाए, जिस किसी प्रकार का हो, शासन के अनुसार, संविधान के अनुसार कदम उठाया जाए और इस देश को बचा लिया जाए। बस मेरा इतना ही अनुरोध है। मैं बड़ा दुख से ये बात कह रहा हूं और ये भी कहूंगा, जान गंवाना पड़े कोई बात नहीं, इसमें हम बिल्कुल लड़ पड़ेंगे, जहां तक जाना पड़े जाएंगे। हाँ ठीक है, कुछ लोगों को जान देने की अगर नौबत आई तो दे देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन चुप्पी नहीं साधेंगे, ये भी बात मैं खुलकर कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल, जल्द से जल्द जितने भी भाई पब्लिक लाइफ में है, मैं प्रयास करूंगा उन लोगों से बात करने का, एक मुहिम जरूर हम शुरू करेंगे, हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे। इस देश में लोकतंत्र बच के है, लोकतंत्र बरकरार है, उसी में सबका भलाई है। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हर शक्ति, हर व्यक्ति इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल हो और अपनी भूमिका निभाए और भारत को बचाए।